साथ हिमानी नथानी और हमेशा की तरह एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं अपनी ये खास पेशकश एनकाउंटर। बात आज एनकाउंटर में सुशांत मामले की। सुशांत मौत मामले की जो जांच है वो अब एक इस एंगल पर चल रही है कि इस मामले में ड्रग्स का एंगल तो इंटरनेशनल रैकेट तक पहुंच चुका है। सुशांत की जो विस्तृत रिपोर्ट है अगले कुछ दिनों में आने वाली है, जिसके बाद काफी कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। इन सब के बीच बीजेपी के बड़े नेता नीतीश राणी ने एक बार फिर से दिशा सालियान की मौत को लेकर कई ऐसे जवाब या कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। नीतीश राणी के मुताबिक दिशा सालियान मौत का सीधा कनेक्शन सुशांत की मौत से है और ये बात शुरू से ही जी हिंदुस्तान भी कह रहा है। इस मामले में आपको बता दें कि रोहन राय नाम का जो शख्स है, जो कि दिशा का मंगेतर है, वो अहम खुलासे कर सकता है। तो रोहन रॉय वो शख्स है जो दिशा का एक मंगेतर था और उसकी मौत के बाद से ही वो गायब है। दिशा सालियान की मौत से पहले भी कई बड़े जो सवाल हैं वो उठे थे। 8 तारीख को दिशा की मौत हुई और 14 को सुशांत की। एक हफ्ते के भीतर हुई इन दोनों मौतों में कोई बड़ा कनेक्शन हो सकता है? आज एनकाउंटर में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जी हिंदुस्तान जो सवाल उठा रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल ये कि क्या दिशा की पार्टी में कोई बड़ा, कोई वीवीआईपी मौजूद था? दूसरा सवाल, आखिर रोहन रॉय से क्यों नहीं सवाल कर रही है सीबीआई, जबकि सबसे पहला जो एक वो बनता है वो रोहन रॉय से ही किया जाना था क्योंकि वो उस वक्त वहीं घर पर मौजूद था दिशा के साथ। तीसरा सवाल, दिशा सालियान ने 100 नंबर पर फोन क्यों किया था? चौथा सवाल, क्या दिशा सालियान को इंसाफ नहीं मिल पाएगा क्योंकि जांच तो बंद कर दी थी, फाइल तो बंद कर दी थी, ये कहते हुए कि सुसाइड की है दिशा ने। पांचवा और आखिरी सवाल, क्या सुशांत मौत मामला भी अनसुलझा ही रह जाएगा क्योंकि आप ये देखिए कि दिशा मौत मामले की तो जांच हुई ही नहीं थी, वो फाइल तो पहले ही बंद कर दी गई थी कि भैया ये तो सुसाइड है। तो क्या ऐसा ही सुशांत का मामला भी रह जाएगा? पहले ये रिपोर्ट आप हमारी देखिए, उसके बाद हम करेंगे इस पर अपने तमाम मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत। आठ जून को दिशा सालियान की मौत, 14 जून को सुशांत राजपूत की मौत। 8 जून से जुड़ा है 14 जून का नाता। जी हां, अभिनेता सुशांत सिंह की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 8 जून को हुई मौत से 14 जून को ही सुशांत की मौत का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अगर दिशा की मौत की गुत्थी सुलझती है तो सुशांत की मौत पर पड़ा पर्दा भी उठ सकता है। ये दावा किया है महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने। राणे का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की मौत की जांच ही नहीं की बल्कि उसे सुसाइड का केस बताकर फाइलों में दफन कर दिया। सीबीआई को दिशा सालियान केस की जांच करनी चाहिए। नीतीश राणे का कहना है कि दिशा जब ऊंची इमारत से गिरी तब रोहन वहीं घर में मौजूद था। रोहन को दिशा और सुशांत के बारे में कई अहम जानकारियां पता हैं, लेकिन वो अपनी जान के खतरे को लेकर डरा हुआ है। राणे ने केंद्रीय गृह मंत्री से रोहन को सुरक्षा दिलाने का आग्रह किया ताकि सही जानकारी सबके सामने आ सके। जो जो ये केस के बारे में बात कर रहा है, जो जो ये केस के बारे में बात करना चाहता है, जो जिसको जिसको 8 तारीख का और 14 तारीख की सच्चाई मालूम है, वो सब लोग आज पिक्चर में ही नहीं है। आज हर कोई अपने अपने तरीके से आज उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। और आज के ये पूरे पिक्चर में रोहन राय का रोल इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, इसलिए उसको सिक्योरिटी देके उसको विश्वास देना बहुत इम्पोर्टेंट है कि तो आप आ सकते हो, सीबीआई से बात कर सकते हो, वरना उसको क्या लगेगा कि जो दिशा के साथ हुआ, जो सुशांत के साथ हुआ, जो एम्बुलेंस ड्राइवरों के साथ हुआ, वो कल मेरे साथ भी होगा। अगर वो ही बात नहीं करेगा तो ये सच कभी बाहर आएगा ही नहीं। नीतीश राणे का कहना है कि 8 जून की पार्टी में जब दिशा सालियान के साथ गलत व्यवहार हुआ तो उसने इस बारे में सुशांत को जानकारी दी। पार्टी में दिशा के साथ क्या हुआ ये या तो सुशांत जानते थे या फिर दिशा का मंगेतर रोहन। सुशांत की मौत हो चुकी है और रोहन गायब है, इसलिए रोहन का सामने आना जरूरी है। इस तरफ सुशांत सिंह के करीबी कौन थे, सबसे आप बात कर रहे हो, वो पटानी हो, रिया हो, सबसे बात कर रहे हो, मगर 8 तारीख के बारे में जो सबसे करीबी दिशा सालियान से थे, जो उनके साथ घर में रह रहे थे, वो रोहन राय से कौन बात ही नहीं कर रहा है।
उनको कौन इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहा है, वो जाके अपने मैंगलोर के गांव में बैठा है तो भी उसको कोई बुला ही नहीं रहा है। तो जब तक उस ऑल इन्वेस्टिगेट होता नहीं तब तक मुझे नहीं लगता है अपने को अपने ये मिसिंग कड़ियां मिलेंगी। नीतीश राणे इससे पूर्व दावा कर चुके हैं कि 8 जून की पार्टी में एक ताकतवर नेता भी मौजूद था, उसी पार्टी में दिशा के साथ कोई अनहोनी हुई। उनका कहना है कि 8 जून की पार्टी में हुए हादसे के बाद दिशा ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को भी जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। राणे ने एक बार फिर मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। 8 तारीख के रात को जब भी दिशा सालियान वो कोई जो पार्टी थी उसके में उसको उसके साथ कुछ गलत हुआ ऐसा हम लोग ने सुना है, वहां से जैसे वो मलाड वालोनी तक जा रही थी अपने घर के तरफ उस बीच में उसने 100 नंबर पे कॉल किया था, उसने मदद मांगी थी, उसने बता दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग मुझे मदद दीजिए। तो वो हर एक 100 नंबर कॉल रिकॉर्डेड कॉल होता है, वो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन रहेगा। तो इतना सारी मदद मांगने के बावजूद वो लड़की की जान अगर मुंबई पुलिस बचा सकती नहीं है तो फिर उनका रोल तो क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। नीतीश राणे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर दिशा सालियान के मंगेतर रोहन राय की सुरक्षा की मांग की है। राणे का कहना है कि इस केस में रोहन की भूमिका संदिग्ध है, इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वो किसी दबाव में सामने नहीं आ रहा है, इसीलिए सीबीआई को रोहन से पूछताछ करनी चाहिए। दिशा की मौत की जाँच से ही सुशांत की मौत पर पड़ा सस्पेंस का पर्दा उठ सकता है। 8 रात को अगर आप दिशा सालियान का सीडीआर रिपोर्ट देखेंगे तो रात के 8:30 तक उनका फोन चालू था, फिर रात के 12:30-1 के बाद उनका फिर फोन इस्तेमाल किया गया था, फिर वो भी इस्तेमाल रोहन राय कर रहे थे क्या? उसके बारे में रोहन राय ने बात करना चाहिए ना। दिशा सालियान के मौत के बाद उस रात को 8 तारीख के रात को और 9 तारीख के सुबह उस दिशा सालियान का फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था और क्यों इस्तेमाल कर रहा था, इसके बारे में क्लेरिफिकेशन आना चाहिए। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में एक ऊंची इमारत से गिरने से मौत हो गई थी। कई लोगों का मानना है कि सुशांत और दिशा की मौत की कड़ियां एक दूसरे से मिली हुई हैं। नीतीश राणे भी उनमें से एक हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सीबीआई दिशा सालियान केस में रोहन नाम की कड़ी को टटोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कहां है आखिर रोहन राय, क्यों नहीं आखिर उसको सामने लाया जा रहा है, या सीबीआई क्यों नहीं अब तक उससे पूछताछ कर पाई, या फिर क्या उसको सिक्योरिटी नहीं दी जानी चाहिए थी? क्योंकि दिशा के बारे में या तो रोहन राय को पता है या फिर सुशांत सिंह राजपूत को पता था। सुशांत सिंह हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो रोहन राय क्यों नहीं आखिर सामने आए, या अगर उनको कोई डर भी है तो क्यों नहीं सिक्योरिटी उनको दी गई, ताकि तमाम जो चीजें हैं या क्या हुआ था 8 जून की रात या क्या हुआ था 13-14 के दरमियानी रात, वो चीजें सामने आती। क्योंकि सुशांत की मौत की गुत्थी तभी सुलझ पाएगी जब दिशा की मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी। और आपने वो तमाम बातें भी सुनी यहां पर जो नीतीश राणे यहां पर कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि खुद फोन करके रोहन राय ने उनको ये तमाम बातें कही थी। श्वेता शालिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। मैं बता दूं आपको, इनके अलावा हमारे साथ शिवसेना की ओर से किशोर तिवारी जी जुड़ेंगे, आगे नुपुर मेहता हमारे साथ आगे जुड़ेंगी, अभिनेत्री हैं आकाशदीप साबीर हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, गणेश शिवारकर जो कि कोरियोग्राफर हैं और सुशांत के दोस्त हैं। लेकिन श्वेता जी, नीतीश राणे जो कुछ कह रहे हैं क्या इससे ये मान लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे हैं वो तो यही कहता है कि भाई दिशा की हत्या हुई थी, ये आत्महत्या नहीं थी, तो फिर तो सुशांत की भी हत्या ही हुई, आत्महत्या नहीं थी, ये प्रूव करती है ये चीजें। देखिए ऐसा है कि नीतीश जी के शब्दों में आप अपने शब्द ना डालें, लेकिन वो एक जन प्रतिनिधि हैं और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनको रोहन राय से बातचीत के बाद ये पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। तो इसीलिए इसका अर्थ एकदम स्पष्ट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। अब मेरे प्रश्न इसमें ये है कि यदि 100 नंबर पे फोन किया गया तो फोन अटेंड क्यों नहीं किया गया, और इतने दिनों से वो ये तथ्य बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि रोहन राय अगर कह रहा है कि उसने 100 पे फोन किया था तो किया था, वो रिकॉर्ड है, वो डिजिटल एविडेंस है, वो किसी तरीके से नष्ट नहीं हो सकता है। तो आज ये प्रश्न पूछने चाहिए। और दूसरी चीज ये भी बात
तय है, क्योंकि नितेश जी ने एक पत्र लिखकर माननीय अमित भाई शाह जो कि हमारे सेंट्रल के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको कहा है कि मैं सीबीआई के सामने सम्मुख आने के लिए तैयार हूं और हर वो बात बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन श्वेता, आपको नहीं लगता है कि थोड़ी ज्यादा ही देर कर दी, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा ना नितेश राणे ने कि 15-20 दिन बाद ही रोहन रॉय का कॉल उनके पास आया था, वो काफी डरा हुआ था, तो तब क्यों नहीं पुलिस को इस बाबत जानकारी दी गई या फिर सीबीआई को इस बाबत जानकारी दी? अब उन्होंने लिखा है गृह मंत्री को ये पत्र, पहले लिख देते तो शायद सुशांत हमारे बीच होते। देखिए ऐसा है, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, 8 तारीख को मैं कहूंगी कि हत्या हुई दिशा की, और 13 तारीख को सुशांत नहीं रहे। यदि 20 दिन बाद आप 8 दिन के लें तो 13 तारीख के बहुत बाद में ये बात हुई, लेकिन तब अगले 60 दिनों तक तो मुंबई पुलिस ही आंख मिचौली खेलती रही हर व्यक्ति थे, और उस समय ना रोहन राय सामने आए ना ये मामला सामने आया कि दोनों केसेस एक दूसरे के साथ मिले जुले होंगे। ये तो जब चीजें सीबीआई के हाथ में गई और हमने अपने आंखों के सामने देखा कि 60 दिन तक किसी बहुत बड़े व्यक्ति को, क्योंकि बहुत सामान्य सी बात है कि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो लिविंग इन रिलेशनशिप में थी रोहन राय के साथ, तो बहुत ही ज्यादा ये सामान्य बात है कि रोहन राय जी को पुलिस को बुलाना चाहिए था। बिल्कुल। दूसरी चीज आप ये देखें कि रोहन राय छोड़ के चले गए और वो ये बात कह रहे हैं क्योंकि एक तीसरे व्यक्ति से कि मुझे यहाँ वहाँ सेफ नहीं लगा, मुझे यहाँ सेफ लग रहा है, तो इसका तथ्य बहुत साफ है कि कोई ना कोई उनको धमका रहा है। अब आप ये बताइए कि बिशप का सीडीआर क्यों नहीं सामने आया, ये टावर रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाले गए कि कौन कौन से व्यक्ति वहां पर थे। आज ये काफी हद तक सामने आया है कि वहां पर बहुत ही पावरफुल एक लॉबी बैठी थी, यदि उनमें से कोई मंत्री भी था तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मंत्री के पीछे कोई ना कोई पुलिस वाला सिक्योरिटी के तौर पर रहता ही है। हर सिक्योरिटी वाले का कहीं ना कहीं लॉग रहता ही है और पुलिस वालों के पास ही रहता है, वो मुंबई पुलिस का कर्मचारी है, तो मुंबई पुलिस के को ये समझना बहुत आसान था कि उस वक्त वहां पर कौन था। दो ही चीज देखनी थी, एक तो पुलिस वालों से पूछताछ करनी थी, सिक्योरिटी लॉग्स देखने थे और टावर के लोकेशन देखने थे, लेकिन क्योंकि ये कोई भी संभव कोशिश नहीं की गई, ये दर्शाया गया खासकर कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से किसी ना किसी को बचाया जा रहा है और बहुत ही ऐसे व्यक्तियों को बचाया जा रहा है जो कि हर उस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं। फिर तो श्वेता जी, निशान को फिर तो मुंबई पुलिस पर भी मामला बनता है कि आखिर कौन ऐसा था जिसके दबाव में पुलिस उस शख्स को बचा रही थी, ऐसा कौन बड़ा था नाम, चाहे वो नेता रहा हो चाहे अभिनेता रहा हो, किसको बचा रही थी मुंबई पुलिस या किसका दबाव था मुंबई पुलिस पर? पुलिस पर भी मामला बनता है। ऐसा है हिमानी जी, एक ऐसी पुलिस जिसने एक जिंदा आतंकवादी को डंके की चोट पर पकड़ लिया, ठीक है, उस पुलिस को आज मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट पे, एक तड़ारा सा तमाचा लगा और उनके हाथ से केस निकालकर सीबीआई सेंट्रल एजेंसी को दे दी गई, ठीक है। इसका अर्थ है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल आका वहां पर राजनीतिक आका मैं आऊंगी इसी पर आऊंगी, किशोर तिवारी भी तब तक हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं श्वेता जी लौटूंगी आपके पास। नूपुर मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी है। नूपुर, कोई इतनी प्लानिंग कर रहा हो, किसी की शादी होने वाली हो, या फिर अगर मैं दूसरी तरफ असाइनमेंट्स की बात करूं तो तमाम असाइनमेंट्स को लेकर अगर बात कर रहा हो, क्या कोई ऐसा शख्स, वो चाहे दिशा सालियान हो, वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, क्या कोई ऐसा शख्स सुसाइड कर सकता है? फिर वो इतनी प्लानिंग क्यों करेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो डे वन से कह रही हूं, आज 3 महीने हो गए दिशा और सुशांत के ऊपर डिबेट्स करते हुए, रिया के ऊपर डिबेट्स करते हुए, मैं 3 महीने से कह रही हूँ ये ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, सरासर मर्डर है। जैसे कंगना कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, और दिशा सालियान का भी मर्डर है। आप मुझे एक बात बताइए हिमानी, एक लड़की जो कि डांस कर रही है वीडियो में अपने मंगेतर के साथ, पार्टी में डांस कर रही है, इतनी खुश है, वो ऊपर जाएगी 14th फ्लोर पे, अपने कपड़े उतारेगी और कूद जाएगी, सुसाइड कमिट कर लेगी? एक लड़का जो कि 12 करोड़ रुपए ले रहा है एक फिल्म के लिए, रोज सुबह उठ के महामृत्युंजय मंत्र सुन रहा है, टेलीस्कोप से तारे देख रहा है, अपने कुत्ते से खेल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और वो लड़की पुलिस को क्यों कॉल करेगी? वो ये बताएगी कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूं।
एग्जैक्टली तो ये आत्महत्या नहीं है, ना दिशा सालियान की आत्महत्या है, ना सुशांत राजपूत की आत्महत्या है, ये सरासर मर्डर है। मुझे पूरा विश्वास है अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे, अपने भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो कि सीबीआई है, जो कि ईडी है, जो कि एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और वो सरासर सच लेके आएंगे सामने। वो उनकी जांच जारी है और उनको जांच के बाद वो सच लेके आएंगे, सारे नाम सामने आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम खुलेंगे। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, आप देखते रहिए। अभी बहुत पॉलिटिकल नाम, फिल्मी नाम, बहुत सारे नाम खुलने वाले। ठीक है अनुपम, मैं लौटूंगी। आकाशदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाशदीप जी, मुझे याद है आपने यही जी हिंदुस्तान की इसी डिबेट पर मेरे साथ ही आप उस वक्त डिबेट में थे, आपने ये कहा था कि रोहन रॉय को क्यों नहीं आकर सबसे पहले, क्योंकि वो लिविन में रह रही थी दिशा रोहन रॉय के साथ, तो क्यों नहीं आखिर रोहन रॉय से सबसे पहले पूछताछ की गई या रोहन रॉय को पुलिस ने बुलाया। अब जो ये तमाम चीजें सामने आ रही है, क्या लग रहा है आपको? मैंने एक महीने पहले, आपने सही कहा, मैंने कई चैनल्स पे और सबसे पहले आपके यहाँ ये कहा था कि अगर दिशा और सुशांत के केसेस में कोई सिमिलैरिटी है तो मैं ये बात हजम करने को तैयार नहीं हूँ कि दिशा पार्टी के बाद घर गई, दो घंटे रोहन के साथ रही और उसको कुछ नहीं बताया। लेकिन ये आधी बात है, अभी भी बाकी मीडिया भी और सीबीआई इस पे क्यों नहीं जांच कर रही कि 8 तारीख के बाद जो भी दिशा का हादसा दिशा ने सुशांत को बताया और वो घबरा गया, बेहोश हो गया, खून चेंज करने लगा, कहने लगा मैं मर जाऊंगा, मुझे मारेंगे, और उसकी बहन शिफ्टिन हो गई, रिया को उसने बाहर निकाल दिया, 13 तक उसकी बहन उसके साथ रही, उसकी बहन को क्यों नहीं पूछ रहे? क्या बहन उसको सिर्फ यही दिलासा दे रही है कि डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और ये नहीं पूछ रही कि हुआ क्या है, आखिर ये माजरा है क्या? तो जिस तरह रोहन को पता होना चाहिए उसी तरह सुशांत की बहन को भी पता होना चाहिए। 5 दिन वो साथ रहे, वो रो रहा है, वो घबरा रहा है, वो सिक्योरिटी मांग रहा है, वो सब कुछ कर रहा है और उसकी बहन उसको दिलासा दे रही है, लेकिन बहन को ये नहीं, बहन ये नहीं पूछ रही कि चक्कर क्या है। आई एम श्योर पूछा होगा और पूछने के बाद आई एम श्योर उनकी बहन को ये मालूम होगा। कौन सी बहन ये नहीं पूछेगी भाई को कि चक्कर क्या है भाई, जबकि वो लगातार अपने परिवार से ये कह रहे थे कि वो मुझे भी मार डालेगा, तो बताती क्यों नहीं है सीबीआई को? अरे आप शांत रहिए, तो मैं कह रहा हूँ मेहमानी कि व्हाई इज द सीबीआई नॉट आस्किंग इट सिस्टर आल्सो? न्यूज में ये बात आती है तो कैंसर रोहन को बुलाया जाता है, हम सब डिबेट करने आए हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है उनकी बहन को मालूम होगा तो वो बताती क्यों नहीं है सीबीआई को? सीबीआई से जांच हुई है ना, उनकी सिस्टर की प्रियंका की जांच हुई है ना सीबीआई से, वो क्यों नहीं बता दिया अगर उनको इतना सब मालूम है तो? आप ये सवाल मेरे पे क्या कर रही है? सवाल तो मैंने किया है, डोंट आंसर माय क्वेश्चन विद क्वेश्चन। नहीं आप, आपने सवाल नहीं किया आकाशदीप जी, आपने, मैंने सवाल किया, प्लीज 1 सेकंड लेट मी स्पीक, आपने एक स्टेटमेंट दिया है तो मेरा सवाल आपसे नहीं, मैंने सवाल किया है कि वो क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर उनकी मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने सवाल किया, इतना सब मालूम है तो वो सीबीआई को क्यों नहीं बताती है? भी पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? 8 जून से लेके 13 जून तक अगर उनकी सिस्टर उनके साथ थी तो वो सीबीआई को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देती है? हो रही थी कि ये दोनों को कुछ भी नहीं मालूम, अभी आधी बात निकली है रोहन की, आई एम श्योर सिस्टर को कुछ तो मालूम होना चाहिए, बताया नहीं बताया, क्योंकि डे टू डे हमको रिपोर्ट सीबीआई की तो मिल नहीं रही है। सिस्टर को कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए तो उन्होंने सीबीआई को स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? ठीक है, लेकिन गणेश शिवाकर को मैं इस चैट में पूछ रहे हो, ठीक है ठीक है, नुपुर आकाशदीप जी मैं लौटूंगी आप दोनों के ही पास, जरा गणेश से भी एक मैं रिएक्शन यहां पर ले लेती हूं। गणेश, चूंकि आपने तमाम ऐसी चीजें यहां पर कही थी, आपने कहा था कि मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं लेकिन कई और ऐसी तमाम खुलासे, कई और तमाम ऐसी चीजें आप जी हिंदुस्तान पर ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, पर चूंकि आपको धमकी मिली या आपके घर पर हमला किया गया इसलिए मैं ज्यादा नहीं उस पर जाना चाह रही हूं, पर क्या कोई ऐसा वीवीआईपी इस पार्टी में मौजूद था? क्योंकि पहले तो यह कह दिया गया था कि पार्टी ही नहीं हुई थी, पहले तो यही कह दिया गया था ना, क्या कोई ऐसा, और उसी को मुंबई पुलिस भी बचा रही है कि सामने नहीं आने देना चाहती है कि आखिर कौन वो शख्स था? हिमानी जी 2 मिनट चाहूंगा, सबको ये बोलना चाहता हूँ, पहले बात, दोनों मर्डर में इनको पता नहीं था इनका मर्डर हो जाएगा, इनके साथ कुछ गलत हुआ हो रहा है ये समझ में आया, लेकिन इसके लिए इनका मर्डर कर देंगे पता नहीं था। लेकिन दिशा ने वहां से निकल के पार्टी में से 100 नंबर पे फोन किया,
कुछ गलत हो सकता है, ये नहीं कहा कि जरा मर्डर हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन पार्टी जुहू में हुई थी और जो मर्डर हुआ है या फिर जो मौत हुई है वो मलाड वाले फ्लैट में हुई है, मलाड वाले तो बीच वाले ट्रैवलिंग में ये कॉल हुआ है। उसके बाद आकाश दीजिए कोई ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए, उनके फैमिली को हर्ट होता है बात। एक्चुअली उसकी बहने गई है, सीबीआई ने इन्फॉर्मेशन दिया है, जरूरी नहीं है कि वो मीडिया में आके हमारे जैसा बोलेंगी, उनकी हालत नहीं है मेंटली और इमोशनली हालत नहीं है कि मीडिया में ये सब डिबेट करे या किसी भी आदमी के साथ उलझे। हम है साथ में, हम थोड़ा उनसे मीडिया में आके बोले सुन लीजिए दूसरी बात ये है, 13 जून को ये हुआ, हेमानी जी ऐसा कौन सा ऐसा है जिसका 13 जून को बर्थडे आता है, क्योंकि आफ्टर पार्टी वहां गए थे, ऐसा कौन सा नेता है जिसको शिवसेना प्रोटेक्ट कर रही है, मुंबई पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है और उसका बर्थडे 13 जून को आता है। आज मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ, गूगल पे डाल के चेक कर लो, आपको नाम आ जाएगा। नाम तो मैं ले नहीं सकता, मैंने अपनी तरफ से सीबीआई को भी इन्फॉर्म किया है, लेकिन मैं ये बोलना नहीं चाहता था दुनिया भर की कि मैं सीबीआई के पास जा रहा हूँ। मैंने सभी छुपे से वहां से जैसे भी इन्फॉर्मेशन देना था दिया है। अब ये इसलिए मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था हेमानी जी, क्योंकि दुनिया भर के लोग इधर टूट पड़ेंगे, मेरे दरवाजे के सामने एक हवालदार भी नहीं। लेकिन तो मैंने इन्फॉर्म कर चुका हूँ जी, जी रोहन राय को भी तो आप जानते हैं गणेश जी। गणेश जी जी मैं कह रही हूँ कि रोहन रॉय को भी तो आप जानते हैं, रोहन रॉय अब ये कह रहे हैं या फिर ये आकाश जी आप भी जानते होंगे, ये आर्टिस्ट मैनेजर जो होते हैं आप फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कनेक्टेड है, तो जैसे मुझे सलमान चाहिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपको क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपको सपोर्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि जो गोविंदा जी, जैसे मैं गोविंदा जी को जानता हूँ हाँ। तो जैसे बाकी लोग सलमान को जानते हैं, अगर मेरे पास सलमान की इंक्वायरी आती है तो मैं दूसरे आर्टिस्ट मैनेजर को कॉल करूंगा, या आर्टिस्ट मैनेजर एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड होते, मैं सबको जानता था, ये लोग मुझे शो पे मिलते थे, दिशा के साथ स्पेशली ज्यादा कनेक्टेड नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले जैसे सुशांत से बात होती थी, सुशांत की एक मैनेजर थी, तो एक दो बार बात हुई, बाकी आर्टिस्ट मैनेजर सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर रोहन यहाँ नहीं है किसी और आर्टिस्ट मैनेजर को जरूर पता है ये बात। चलिए ठीक है, जरूर पता है, सारी ठीक है, ठीक है, लौटूंगी मैं इस पर। किशोर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा देरी से जुड़े हैं लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि एक ब्रेक के लिए तो मुझे रुकना ही होगा यहाँ पर, ब्रेक के बाद मैं रुक करूंगी किशोर तिवारी जी का, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ये बताया था कि 8 तारीख की रात क्या हुआ था, दिशा ने 100 नंबर पर कॉल भी किया था, तो उसके तो पूरा रिकॉर्ड होगा ना सर, रिकॉर्ड होती होगी ना ये सारी चीजें बातें। अरे भाई सब ठीक है, हाँ। ये मीडिया ट्रायल अच्छा। जो है वो बीजेपी से आप करा लो ना, और आपका जजमेंट क्यों नहीं दे रहे आप जजमेंट दे दो। कंगना अगर महाराष्ट्र का अपमान करेगी तो हम शिव सैनिक महाराष्ट्र का अपमान नहीं सहन करेंगे, ये मेरा ऐलान है। मुझे लग रहा है कि कंगना पे बात करना इनको ज्यादा आसान लग रहा है बजाय सुशांत और दिशा के। जी श्वेता जी, तिवारी जी कंगना टॉपिक ही नहीं है सर। ऐसा हिमानी जी, जी जिस पक्ष के प्रवक्ता ऐसे होंगे आप समझ सकती हैं कि उसके नेता कैसे होंगे और उसकी सरकार कैसी होगी। अभी किशोर तिवारी जी ने कहा कि एक फिल्मा वाली मर गई तो क्या हो गया, अरे कमाल है, एक फिल्मा वाली क्या आपके राज्य की व्यक्ति नहीं थी क्या? क्या पूरा बॉलीवुड आपके राज्य में नहीं आता है क्या, मुंबई में नहीं आता है क्या, आपने इतने मुंबई में राज किया, तुम एक सिनेमा के हीरो की आत्महत्या पर रो रही हो और महाराष्ट्र में हजारों किसान ने आत्महत्या की और तुमको थोड़ा भी बुरा नहीं लगता? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म किसान आत्महत्या पर रो ना, तो हमें कैसे आएगी बताएंगे आप जरा? अरे बेटा शर्म आनी चाहिए, इतनी किसान आत्महत्या मोदी के कारण। सर जब आपको आज आप पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी सक्षम पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, तब आपको किसान याद आ गए? आज से पहले आपको किसान याद नहीं आ रहे थे? नहीं, दिलाल जी आप सुन भी तो लीजिए ना, अरे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बुलाया सर, सुनना भी पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ आज आपको किसान याद आ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आज आपको याद आ गए। पेड़ प्रवक्ता नहीं चलते, अच्छे सूझबूझ वाले लेके आओ, पेड़ प्रवक्ता नहीं चलते। 47 को क्या सीआरपीसी समझती है, क्या आरपीसी समझती है? अरे सीबीआई इंक्वायरी करेंगी,
क्या ये राणे का बच्चा करेगा जिसको हमारा नमक खाया है, क्या राणे का बच्चा करेगा? तो आना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले श्वेता जी, किसान आत्महत्या में बोलो, किसान आत्महत्या में बोलो, आज आते हो यहाँ पे बन के। तिवारी जी, तिवारी जी मुद्दे पर रहिए ना, दाएं बाएं क्यों जा रहे हैं आप, मुद्दे पर रहिए ना। जवाब नहीं है क्या? जवाब नहीं है क्या? क्योंकि संदेह के घेरे में तो आपकी पुलिस शुरू से ही है, संदेह के घेरे में तो आपकी पुलिस तिवारी जी शुरू से ही है। आप सुन लीजिए, शुरू से ही है आपकी पुलिस तो संदेह के घेरे में। और अब जब ये बातें सामने यहाँ पर आ रही है, ये बात रोहन राय ने खुद बताई थी नितेश राणे को, एक कहानी थोड़ी ना बता रहे होंगे, जो बताया गया होगा वही तो बता रहे होंगे ना। तो बुलाइए ना, क्यों नहीं बुलाया आपकी पुलिस ने, आपकी सक्षम पुलिस ने रोहन राय को? सबसे पहले तो उसी को पकड़ना था, क्यों नहीं पकड़ा? और सुनिए, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है। डिटेल आप पब्लिक करिए ना, वो डिटेल जो बात की होगी, क्यों नहीं सुरक्षा दी गई फिर दिशा को? रिया को सुरक्षा दे सकते, दिशा को क्यों नहीं दे सकते? ये बात तुम्हारी जो है, पुलिस के प्रवक्ता को बुला लो, पहले उसको पोछ लीजिए, फिर तो जवाब दीजिएगा। जवाब तो है सिक्योरिटी के पूछने, अरे फिर आप कंधरा पे पहुंच गए। अच्छा जी ने केवल मात्र सिक्योरिटी नहीं दे रहा था, आपसे ना कंगना संभली, आपसे कुछ संभला है क्या? लोगों के सवाल, किशोर तिवारी जी मेरी बात का जवाब दीजिए पहले, क्यों नहीं आपकी पुलिस पर भी, आपकी सक्षम पुलिस पर भी क्यों नहीं मुकदमा होना चाहिए? शुरू से ही वो संदेह के घेरे में रहिए, क्यों नहीं दी सिक्योरिटी? क्या आपके परमवीर सिंह क्या कर रहे थे, और आपके त्रिमुखी जी ने क्या कि बार बार जो वो कुछ सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की बात कर रहे थे, क्या इसीलिए बुलाया था रिया को, इसीलिए फोन कर रहे थे रिया को? किसी और को क्यों नहीं किया? क्यों नहीं सबसे पहले वहां पर रोहन राय को पकड़ा, और क्यों नहीं दिशा का फोन जो है सबसे पहले अपने कब्जे में लिया? ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, आप पहुंच रहे कंगना पे और पता नहीं कहां। अरे सीबीआई को बता दो और मुंबई पुलिस पे परम सिंह पे गुना दाखिल करो, मैं तो यही बोल रहा हूँ। तुम्हारी बातों में ये जो मीडिया ट्रायल है ना, इस पे तुम अभी ये बहुत अच्छा, ये बड़ा बचाव का अच्छा तरीका है कि सारा ठीकरा जो है मीडिया पर फोड़ दिया जाए। अच्छा चलिए छोड़िए, गणेश कुछ कह रहे हैं, उन्हीं की बात का जवाब दे दीजिए, मेरी बात का तो नहीं देंगे आप जवाब। गणेश तिवारी जी, सबसे पहले तो आप माफी मांगो श्वेता जी से, आपको शिवसेना वालों को बिल्कुल शर्म नहीं आती किस औरत से किस तरह बात करनी चाहिए, ये सबसे पहले सीखो आप। दूसरी बात, नीतीश राणे हो गया, मैं हो गया, हमने सेम चीजें बताइए दोनों ने, और जिस तरह से हमने इन्फॉर्म दे दिया है सीबीआई को, वो भी कर लेंगे सीबीआई इन्फॉर्म, लेकिन आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती? पब्लिसिटी बोल रहे हो इस चीज को, मीडिया ट्रायल बोल रहे हो मीडिया को, हम सच के लिए हमारी जान जोखिम में डाल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप जैसे शैतान पल रहे, आपसे महाराष्ट्र संभाला नहीं जा रहा, बीजेपी देश चला रही है, तो उनको तो आना ही पड़ेगा बीच में, क्योंकि उनका हृदय देशवासियों के लिए दुखता है, और आप उनको यहाँ बैठ के डिबेट पे शर्म नहीं आती? वो सबसे पहले तो आप माफी मांगो श्वेता जी से, आपके शिवसेना के नेता ने काम किया है, 13 जून को आपके शिवसेना के नेता का जन्मदिन था, फिर उनके पार्टी के बाद वो है उधर, आप सबसे बड़े ये भी बीजेपी को दोस्ता बन के आए गणेश, पार्टी को जिसने का अपमान होता है तुम बस पराजय बनता का महाराज बनता तुम बस का अपमान होता है तुम्हें चुप करो शुरू है तुम गणेश हुआ का तुम्हें बहुत हुआ महाराज का अपमान होता है शर्म आती है आपको शर्म आनी चाहिए। अरे मेरी तो क्या शर्म आएगी, अरे मेरी तो क्या शर्म आएगी, राजपान होते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपको अरे भाई आप सीबीआई को आप सीबीआई को तिवारी जी बड़ी अजीब सी बात है, तिवारी जी बहुत ही अजीब सी बात है। चलिए ठीक है, सीबीआई को जाकर कहना चाहिए था, बिल्कुल कहना चाहिए था, लेकिन आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपकी सक्षम पुलिस तो पहुंच गई थी ना थोड़ी देर बाद ही वहां पर, क्या करने क्या गई थी वो, फिर वहां पर क्या कर रही थी? एक काम करना है इमानी जी, अगले कार्यक्रम को पुलिस वाला भी बुला लेना जो बता देगा। अरे तो महाराष्ट्र की पुलिस, आप ही की पुलिस है ना, पूछ रही हो आप ही की पुलिस है ना आकाशदीप, आप कुछ कानून का राज है तिवारी जी, अरे कानून का राज है सर, कितना कानून का राज है आकाशदीप जी कुछ कह रहे हैं? एक मिनट सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आप 2020 की सदी में रह रहे हैं, मीडिया एक कम है डेमोक्रेसी का, एक्टिव है, आम जनता हर बंदे के हाथ में इंटरनेट वाला फोन है,
हर कोई सवाल उठाता है, हर कोई अपना ओपिनियन देता है, आप इस बात को मीडिया ट्रायल या इस बात पे सवाल उठाते हैं कि लोग क्यों पूछ रहे हैं, वो सदी चली गई सर। हर इंसान अपना ओपिनियन देता है, सवाल उठाता है। हजारों किसान मर रहे, एक बात नहीं करते और एक सिनेमा का स्टार मर गया, मर रहे हैं उसके लिए भी नहीं सही बोल रहे हैं आप। ऐसी बात नहीं करना चाहिए, किसान की डेथ को आप ये किया ये भी गलत है। हिंदू साधु को इतने बुरी तरह से मारा, हमारा पुलिस ने उसको हाथ छोड़ दिया, वो बेचारा पुलिस को पकड़ रहा था। मैं लेकिन टॉपिक से नहीं भटकना चाहता, आपकी गलती गिनने के लिए बहुत सारी ऐसी बड़ी सी गलतियां गिनने के लिए, लेकिन आज जो टॉपिक है उससे बात करो। सवाल उठते हैं, उठने दीजिए, सवाल तो उठेंगे। युवरकर तुम्हें महाराष्ट्राची आज बात छोड़ी है, सवाल नहीं उठेंगे। टीवी का मराठी माणूस आहे, तिवारी जी मी मराठी माणूस आहे, माझी आत्मा दुखुरा महाराष्ट्राचा अपमान सहन करायला आला आहे, महाराष्ट्राला जीवा, मुंबईला जीवा, पूर्ण तिवारी जी मैं भी कंगना की आरती कंगना गैंग के मेंबर झाले हे चुकीचं आहे। तिवारी जी तुम्ही माफी मागा, तिवारी जी मैं कंगना की आशा पाहतोनी पण येतोय चालेल, माझ्या महाराष्ट्राला कायदा परवानगी आहे। ते लोक मुद्दा तो सही उठाया ना, पंचायत आमच्यासोबत काम करते, आधी तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे मैं समझ रहा हूं। महाराष्ट्राचा लहान आरक्षण प्रॉब्लेम नाही आहे, तुम्ही सरकारने काय प्रॉब्लेम आहे, पार्टी आपस में क्यों लड़ते हैं। ठीक है, आप जवाब भी ले लेते हैं, आप जवाब भी ले लेते हैं, ठीक है। आप दोनों ने एक साथ ही दाग दिया तिवारी जी पर सवाल। तिवारी जी ठीक है, अब तिवारी जी को बोलने देते हैं। तिवारी जी अब आप जवाब दीजिए। हिमानी जी तुम्हारी बात का जवाब दूंगा जी। सर सवाल तो पूछे जाएंगे ना, देखिए अगर सरकार में आप हैं और अगर आपके आपके सरकार के दौरान कुछ हुआ है तो जाहिर सी बात है सर सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। पुलिस भी आप ही किया ना था सर, अगर उसने नहीं किया है और बार बार आपके कहते हैं अपनी पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं बार बार, तो सर मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं उस पर भी एक मामला बनना चाहिए कि भाई आखिर किसको बचाया जा रहा था इसकी आड़ में, क्यों नहीं पुलिस ने कोई काम किया, क्या एविडेंस मिटाए जा रहे थे यहाँ पर, क्या कर रहे थे आपके परमवीर सिंह, क्या कर रहे थे आपके त्रिमुखे जी। एक काम करना चाहिए, मैं किसान मिशन का चेयरमैन हूं, गणेश और श्वेता ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लगाकर ये चीजें पूछनी चाहिए कि परम सिंह कितने काबिल है। देखिए ढाई महीने उन्होंने कुछ नहीं किया और एक महीना इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल आपने महाराष्ट्र सरकार की बदनामी की। जय हो सर, जय हो। तुमसे मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी ऐसी काम, तुम किस 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 मीडिया ट्रायल के लिए जानी जाती हो, तुम तो थैंक यू चुस्त दुरुस्त प्रश्नों के लिए जानी जाती हो। ये नुपुर जी, श्वेता जी, गणेश जी, एक आकाश जी है यहाँ पर जो कुछ तो भी ढंग की बात करते हैं, ये तो लग जाते हैं। अच्छा, पहले बोले चलिए आकाश जी कम से कम आप तो सेफ है, आपके घर पे बुंडा बुलडोजर आएगा ना ही बॉक्सर आएगा, चलिए आप तो सेफ है कम से कम, ठीक है ठीक है। नुपुर एक एक फाइनल कमेंट, ठीक है। एक साइड नहीं लेता क्योंकि दोनों पक्ष में गलतियां होती हैं। मैं कंगना की आधी बातों को भड़काऊ कहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कह सकता कि कंगना ने सही मुद्दा नहीं उठाया। तो वी हैव टू प्ले यू नो जिसकी जो बात सही है। अरे सर आकाश जी आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको क्लीन चिट मिल गई, आपके घर पे कोई बुलडोजर नहीं पहुंच रहा, कोई बॉक्सर नहीं पहुंच रहा, लेकिन नुपुर डर रही है ना, नुपुर आप कुछ कहना चाह रही है। कोई डरना नहीं। तिवारी जी इतने खफा क्यों हैं? गारंटी मैं लेता हूँ, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, गारंटी मैं लेता हूँ। आज बहुत गुस्से में लग रहे हैं तिवारी जी, गारंटी मैं लेता हूँ। सुशांत की गारंटी भी ले लेते हैं, सुशांत सिंह राजपूत की गारंटी भी ले लेते हैं, वीडियो वायरल हो गया। अरे भाई मैं नहीं नहीं तिवारी जी, बेटा बोला था वो नहीं आया, और बहुत मैंने बेटा बोला था वो नहीं आया, और उत्पटांग चीजें आती है, काट खट जाती है, तुमको मेरा बुरा लगा होगा तो माफी मांगता हूं। सब आ गया, पूरी दुनिया ने देख लिया, लेकिन लेकिन तिवारी जी मुझे आपसे लेकिन मुझे आपसे शिकायत है क्योंकि आपने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देरी से जुड़े और पहले जुड़ जाते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, लेकिन शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जी हिंदुस्तान का ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो किस तरह का उसका प्रोसेस है, कैसे डाउनलोड किया जाए, बता रही मेरे सहयोग। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर।
ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।